नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर के यूट्यूब चैनल किसान जॉबनेर में। संस्थान में जेट आई सी एफ बीएचयू आई सी आर एजी सुपरवाइजर प्री पी जी एओ डबल एओ और 11th 12th एग्रीकल्चर फाउंडेशन की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मक्का के बारे में, जिसको अंग्रेजी में मेज कहते हैं। दोस्तों, मक्का का वानस्पतिक नाम है वो जियामेज है और मक्के की फसल उत्पत्ति स्थल है ये मैक्सिको है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं में मक्का अनुसंधान संस्थान मैक्सिको में स्थित है। मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है और मक्का को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी फसल के नाम से जाना जाता है, यानी अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। किस फसल को कहते हैं? मक्का को कहते हैं। मक्के की जीन को क्या कहते हैं? जीन ही कहते हैं। सर्वाधिक उत्पादकता किस फसल की है? सर्वाधिक उत्पादकता मक्का के फसल की है। किस खाद्यान्न फसल में कले नहीं फूटते हैं? मक्का में कले नहीं फूटते हैं। खाद्यान्न फसलों की रानी कौन सी फसल कहलाती है? मक्का। दोस्तों, खाद्यान्न फसलों की रानी मक्का कहलाती है। मक्के की फसल में 2N कितने होते हैं? 20। साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल मक्का। मक्का में वसा की मात्रा होती है 4 से 5%। भारत में रबी मक्का कहाँ उगाया जाता है? बिहार में उगाया जाता है। राजस्थान में रबी मक्का कहाँ उगाया जाता है? बांसवाड़ा में उगाया जाता है। मक्के की फसल में कितनी प्रकार की जड़ें पाई जाती है? 3 प्रकार की, क्राउन, सेमिनल और प्रोब। मक्के को सहारा कौन सी जड़ें प्रदान करती है? प्रो। मक्के का प्रक्षण भार होता है 200 से 250 ग्राम। जलाक्रांति से सर्वाधिक प्रभावित फसल है मक्का। मक्के की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म है? अंबर। मक्के की प्रथम संकर किस्म का नाम है गंगावन, 1961 में ये निकली थी। दोस्तों, विश्व में मक्के पर किस संस्थान ने कार्य किया? उस संस्थान का नाम है रोग टेलर फाउंडेशन। 1954 में इस संस्थान ने मक्के पर काम किया। मक्के की फसल सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था आती है नर पुष्प आते समय। मादा पुष्प से पहले नर पुष्प का निकलना कहलाता है प्रोटोएंडी, मक्का में कहलाता है ये। नर पुष्प से पहले मादा पुष्प का निकलना प्रोटोगाइनी, ये बाजरा में कहलाता है। दोस्तों, ये दोनों डिफरेंट हैं। अगर मादा पुष्प से पहले नर पुष्प से मक्का में निकलते हैं तो उसको प्रोटोएंडी कहते हैं, और अगर वही नर पुष्प से पहले मादा पुष्प निकलते हैं, यानी कि उल्टा है इसका, बाजरे में नर पुष्प से पहले मादा पुष्प निकलते हैं प्रोटोगाइनी, ये बाजरे में होता है। मक्के के नर पुष्प को कहते हैं टेसन, ये आईसीएआर ने 2017 में नाम दिया इसको। मक्के की मादा पुष्प को कहते हैं सिल्क। मक्के में नर पुष्प को हटाना कहते हैं डिटेसलिंग। मक्के की चारे के लिए उपयुक्त किस्म है अफ्रीकन टोल। दोस्तों, अफ्रीकन टोल जो किस्म है वो चारे के लिए ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। मक्के की राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म है बस्सी सेलेक्टेड, ये किस्म का नाम है बस्सी सेलेक्टेड, जो राजस्थान के लिए उपयुक्त है यहाँ के वातावरण को देखते हुए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संकर मक्के की बीज दर है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। सकुल मक्के की बीज दर है 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। मक्के की फसल में अधिक आर्द्रता से होने वाला रोग है सीडलिंग ब्लाइंड रोग। मक्के की फसल में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइट बढ़ सफेद कलिका रोग होता है मक्के में जिंक की कमी से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मक्का का पौधा होता है, मक्का का पौधा मोनोसियस द्विलिंगाश्री होता है। अगला क्वेश्चन है, मक्के में खपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं सीमाजीन और एट्राजीन। दो खपतवार नाशी मक्का में प्रयोग कर सकते हैं अपन, सीमाजीन और एट्राजीन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मक्के की अच्छी बुआई के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? डिबलिंग का।
अगला क्वेश्चन है, सबसे मीठी मक्का होती है जियामेट सेकाराटा, स्वीट कॉर्न के नाम से इसको जानते हैं। सबसे मुलायम दानों वाला मक्का होता है जियामेट इमाइलेसिया, इसको सॉफ्ट कॉर्न के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक स्टार्च किस मक्के में पाई जाती है, जियामेट सेरेटिना वेक्सी कॉर्न के नाम से भी इसको जानते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए उपयुक्त मक्का है जियामेट इरवटा, जो पॉपकॉर्न होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जियामेट इरवटा का प्रयोग करते हैं। मक्के पर गोल्डन रे कार्यक्रम कब चला, 2009 में बांसवाड़ा उदयपुर में चला। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कृषि विज्ञान से संबंधित दोस्तों को आप शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।